हमारे शहर के कुछ लीडरों को लालीपॉप बता दे रहे हैं। लालीपॉप, जब बच्चा रोता है तो उसको लालीपॉप थमा दिया जाता है और वो बच्चा जब उसको चूसता है तो उसको अच्छा लगता है और वो एक रुपये का होता है। बच्चे की ख्वाहिश एक रुपये में खत्म कर दी जाती है लेकिन 99 रुपया उनके जेब में रहता है। आज मालेगांव महानगर पालिका कॉरपोरेशन के प्रशासक भालचंद्र गोसावी साहब से मुलाकात करने के लिए मैं और हमारे पार्टी के जिम्मेदारान हम आए थे, लेकिन प्रशासक साहब यहाँ पर आज कॉरपोरेशन में नहीं है, ऐसा उनके ऑफिस से हमको कहा गया। हमारा आने का जो मकसद है, हमने एक लेटर इन्वर्ट किया है। ये लेटर के अंदर हमने भालचंद्र गोसावी प्रशासक, जब से उनको चार्ज मिला है प्रशासक का, चार्ज मिला उस दिन से आज तक कितना उन्होंने प्रशासकीय ठहराव किया है, कितना टेंडर मंजूर किया है, चाहे वो आरोग्य डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो खानकाम डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो लाइट डिपार्टमेंट का हो, चाहे फायर ब्रिगेड का हो, या महानगर पालिका में जितने डिपार्टमेंट है, प्रशासकीय ठहराव कितना इन्होंने मंजूर किया, कितनी निधि का फंड का इस्तेमाल किया गया, ये तमाम ही मालूमात आज हमने मांगा है। 3 दिन के अंदर हमको मालूमात कर प्रशासक भालचंद्र गोसावी साहब हमको दे, इस तरीके की डिमांड हमने किया है। जो हमारी अपनी मालूमात है, हाँ, स्थापना डिपार्टमेंट की भी हमने को ने मालूमात मिली, जो हमको मालूमात मिल रही है, ठीक है, आज मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेटर दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि सियासी लोग सवाल ज़रूर उठाएंगे, लेकिन उन सियासी लोगों को सवाल उठाने से पहले खुद आकर मेरे तरह सवाल कॉरपोरेशन प्रशासक से पूछना चाहिए, यह मेरी उनसे गुजारिश है, अपील है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे शहर की है, 2 असेंबली हलके इसके अंदर आते हैं, एक मध्य एक बाह्य, और तमाम ही ये दोनों असेंबली हलके की आवाम यहाँ पर टैक्स भरती है। एक भीख मांगने वाला गरीब भी टैक्स भरता है और एक सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भरने वाला शहरी भी टैक्स भरता है, और ये पैसा कॉरपोरेशन की आवाम का पैसा है जो कॉरपोरेशन में टैक्स की सूरत में जमा होता है, और इसीलिए बॉडी चूनकर आती है, कॉरपोरेटर आते हैं, और इसके लिए कि वो देख रेख करे, यानी गवर्नमेंट का या जो संविधान ने नगर पालिका महानगर पालिका असेंबली पार्लियामेंट के जो चुनाव किए गए हैं, जो जमहूरी मुल्क है, इसके लिए कि प्रशासक राज ना हो, ऑफिसर राज ना हो, उनके ऊपर एक दबाव हो, उनके ऊपर निगरानी हो, इसके लिए बॉडी को चूनकर दिया जाता, लेकिन आज बॉडी नहीं है। यहाँ के प्रशासक पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके की मालूमात हमको मिली है, और आज हमने कुछ पेपर अनऑफिशियल देखा तो उसके अंदर तो बहुत चौंका देने वाली बातें सामने आ रही है। मैं आप तमाम ही चैनल के ज़रिए, आपके YouTube चैनल के ज़रिए शहर की आवाम से मैं अपील करता हूँ, ये मालूमात हम लोग 2-3 दिन में ज़रूर ले लेंगे, लेकिन शहर कॉरपोरेशन को बचाने के लिए, कॉरपोरेशन के खजाने को बचाने के लिए, आवाम का टैक्स के पैसे को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और इसके लिए
तमाम ही सियासी पार्टियों ने भी आगे हमारी तरह मालूमात लेना चाहिए। इसका मतलब बॉडी प्रशासक आ गया, बॉडी खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको घर बैठना है, बल्कि तमाम ही सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो आकर निगरानी करे। लेकिन यहाँ पर कमिश्नर प्रशासक हमारे शहर के कुछ लीडरों को लालीपाप बता दे रहे हैं। लालीपाप, जब बच्चा रोता है तो उसको लालीपाप थमा दिया जाता है, और वो बच्चा जब उसको चूसता है तो उसको अच्छा लगता है, और वो एक रुपये का होता है। बच्चे की ख्वाहिश एक रुपये में खत्म कर दी जाती है, लेकिन 99 रुपया उनके जेब में रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर चल रहा है, एक रुपया दे के लालीपाप बताया जा रहा है, नुमानी ब्रिज के नाम पर उलझा दिया जा रहा है, और मलाई दूसरा नेता जो सरकार में है वो मलाई मार दे रहा है। प्रशासक उसके दबाव में, उन लोगों के दबाव में काम कर रहा है, और आवामी खजाने का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए शहर की आवाम ने तैयारी करना चाहिए। मैं मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वर्करों को मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप तैयार रहे कि पेपर आने के बाद एक बड़ा एहतजाज, कॉरपोरेशन के खजाने को बचाना, आवामी टैक्स के पैसे को बचाना, कॉरपोरेशन को बचाने के लिए सड़कों पर हमको आना पड़ेगा। दूसरी बात, स्थापना डिपार्टमेंट ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम नौजवान को यहाँ पर मानधन के ऊपर कुछ नौकरियाँ मिल जाती है, कुछ नौकरियाँ मिल जाती है। 450 लोग यहाँ पर मानधन के ऊपर नौकरियाँ करते हैं। उनका पगार बढ़ाने के लिए, पगार बढ़ाई जाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शहर के लोग हैं, शहर के नौजवान हैं, महंगाई के हिसाब से पगार बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ साबिक कॉरपोरेटरों को इस्तेमाल करके 5,000 रुपया जमा किया गया, 30,00,000 रुपया नौजवानों से जमा किया गया, ये भी मालूमात मेरे पास आई है, वो भी मालूमात मैं मांग रहा हूँ डिपार्टमेंट से। तो इस तरीके से, और जब मैं अभी आगे बताऊँगा चौका देने वाली बातें, अरे 99 साल के भी एग्रीमेंट के ऊपर कई प्लान दे दिए जा रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तरीके से ये कामकाज चल रहा है। इसके लिए आज हम लोग आए थे, बहरहाल शहर की आवाम और मेरे कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी के जिम्मेदार लीडरान सब तैयारी में रहे। कॉरपोरेशन को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और शहर की आवाम भी इसके अंदर साथ दे, न तो जब कल चुनाव हो जाएंगे, नई बॉडी बैठेगी, चाहे किसी की भी बैठे, हाथ में कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं शहर के डेवलपमेंट के लिए, कोई फंड नहीं बचेगा। तो ये आज हमको जागरूक होने की ज़रूरत है, बेदार होने की ज़रूरत है, यही आज आपको बोलना है। किसी को चॉकलेट दिया जा रहा, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता कि वो लालीपॉप ले या चॉकलेट ले, ये बैतुल माल को बचाए। साहब, इससे पहले संगीता दायगड़े मिस्टर कासार साहब को आवामी ताकत से हम लोगों ने बाहर भेजे, तो इनके लिए आला सतही कोई कोशिश आप लोगों की जानिब से? सरकार अगर और सरकारी नुमाइंदे अगर प्रशासक के सपोर्ट में खड़े हो जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बॉडी तो है नहीं, तो ये तो अब सरकार को डिपेंड करना। ठीक है, हम जमहूरी तरीके से जो जो लड़ाई लड़ना है, कानूनी लड़ाई लड़ना है, पेपर जमा करना है, पेपर जमा किए जाएंगे, सबूत जमा किए जाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी, सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो ज़रूर हम लोग हाईकोर्ट की तरफ जाने की हमारी तैयारी है।